हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आज तारीख हो गई 31 मार्च 2021, इस महीने का आखिरी दिन मार्च का, और दिन हो गया आज बुधवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, खास करके महिलाओं के लिए। हमारे देश की माताओं बहनों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, क्या मैं आपको बताऊंगा। शराब पीने वाले लोगों के लिए भी बड़ा अपडेट है, अगर आप रेल यात्रा करते हैं तो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आना, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं दोस्तों, सभी बैंक खाता वालों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तो आइए एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट के ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे की तरफ से एक नया नियम आ रहा है, रेल यात्री ध्यान दें, घर से फुल चार्ज कर निकले अपना मोबाइल या लैपटॉप, क्योंकि ट्रेन में सफर करने के दौरान अब आपको रात में चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। जी हाँ, अक्सर अगर आपकी भी रेल यात्रा करने के दौरान अपने मोबाइल फोन वगैरह को चार्ज करने की हैबिट है ना, तो उसको बदल लें, क्योंकि अब रात्रि सफर के दौरान आप अपना मोबाइल या लैपटॉप रेल में चार्ज नहीं कर पाएंगे। दरअसल दोस्तों, रेलवे का कहना है कि ये फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। कहने का मतलब ये होता ना दोस्तों, कई बार तो मोबाइल फोन्स वगैरह या लैपटॉप की इनकी चार्जिंग होने दौरान बैटरी में ब्लास्ट हो जाता, विस्फोट हो जाता, तो ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा रात में चोरी की घटनाओं को देखते हुए भी रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया, और चार्जिंग सर्किट से कहीं आग वगैरह न लग जाए, हाल ही में चार्जिंग सॉकेट से ट्रेन में आग लग गई थी, तो इन्हीं चीजों को देखते हुए रेलवे में ये नए नियम नए गाइडलाइंस लागू हो चुकी है। ठीक है ना, कहने का मतलब सिंपल ये है कि अब रेल यात्रा करने के दौरान रात में आप अपना मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह चार्ज नहीं कर पाएंगे, दिन में तो कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा रेलवे को लेकर और एक अपडेट आ रहा दोस्तों कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक रोजाना चलेगी NTPC परीक्षा की स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, अगर जो स्टूडेंट्स NTPC एग्जाम वगैरह देने जा रहे हैं ना, तो उनके लिए पटना से आनंद विहार के बीच चलने वाली परीक्षा स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है, लेकिन बिना मास्क के इसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में नया नियम लागू होने जा रहा, 1 साल में 20 लाख से ज्यादा की केस निकासी पर अब आपका TDS कटेगा, PPF पर भी यह नियम लागू होगा। जी हाँ, अगर आप 1 साल में अपने अकाउंट से 20 लाख से ज्यादा विड्रॉल करते हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में अब आपको TDS देना पड़ेगा। वहीं यही नया नियम सेम जो है वो PPF अकाउंट पर भी लागू होगा। अगर आप प्राइवेट नौकरी वगैरह करते हो और आपने PF खाता खुलवा रखा है, तो 20 लाख से ज्यादा की निकासी पर अब आपको 2% TDS देना पड़ेगा। वहीं 1 करोड़ से ज्यादा राशि अगर निकालते हो तो 5% TDS लगेगा। ओके, और साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से बियर तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन शराब के लिए अब आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। UP में नई पॉलिसी लागू होने जा रही है, जो शराब वगैरह पीते हैं उनके लिए अब महंगा होगा ये। जैसा कि आपको बताया, 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष है, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू होने जा रहा, और ऐसे में इस सत्र से ही उत्तर प्रदेश में बियर, देसी और अंग्रेजी शराब के नए दाम लागू हो जाएंगे। और नए रेट के मुताबिक दोस्तों, बियर तो थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन देसी और अंग्रेजी यानी कि विदेशी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। बियर 10 रुपए से लेकर 30 रुपए तक सस्ती हो सकती है, वहीं देसी शराब के 200 ml के पैक पर 5 रुपए बढ़ जाएंगे UP में। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, BSNL के ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई है, अब हर एक यूजर को मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट। जी हाँ, अगर आप भी सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL से इंटरनेट वगैरह चलाते हैं इसके ग्राहक है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, अब आपको BSNL में भी दोस्तों जियो एयरटेल की तरह सुपर फास्ट इंटरनेट मिल सकेगा। वो ऐसे दोस्तों की BSNL कंपनी जो है जल्दी सुपर फास्ट 4G हाइब्रिड सेवा शुरू करने जा रही है, इसके लिए टेंडर भी निकालने वाली है, तो अप्रैल से इस पर काम शुरू हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा, अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशन सरकारी नौकरियों को लेकर अपडेट है। UPSSSC रिक्रूटमेंट एग्जाम में नया नियम लागू होने जा रहा दोस्तों, OTR सिस्टम लागू होने जा रहा। OTR बोले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, यानी कि अब सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए सिर्फ आपको एक ही बार पंजीकरण कराना होगा। UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका लिंक भी जारी हो चुका है। दरअसल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होगा, और वो भी ये सुविधा निःशुल्क है। तो आयोग की वेबसाइट पर ये OTR का लिंक अवेलेबल है, आप भी स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके, और इसके अलावा राजस्थान राज्य में प्री DLED एग्जाम को लेकर गहलोत सरकार ने एक फैसला लिया है, इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव किए गए हैं। देखिए, आप प्रश्न पत्र 4 भागों में बटा होगा, कुल 200 मल्टीपल चॉइस टाइप के प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा वगैरह वगैरह, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 50 प्रश्न आएंगे। अब इसकी डिटेल जानकारी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के राजस्थान की प्री DLED एग्जाम को लेकर नया अपडेट है। इसके अलावा एजुकेशन पर और एक खबर ये आ रही दोस्तों की, चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल अपन नजर डालते कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, बिहार राज्य में एक नया नियम लागू होने जा रहा है कि चिल्लाने पर भी अब आपको 3 महीने की जेल होगी। इस आदेश ने सभी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हालांकि ये नया नियम जो दोस्तों
वोटिंग के दौरान लागू होगा। मतदान जो चल रहा है ना आजकल, इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो बिहार राज्य में मतदान के दिन अगर मतदान केंद्र या उसके आसपास कोई चिल्ला दे भी देता है या बदतमीजी करता है किसी अधिकारियों से, प्रशासनिक वाले से, तो उस पर जल्दी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको 3 महीने की जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लग सकता है। कुल मिलाकर के दोस्तों चुनाव के दौरान शांति व्यवस्थाएं बनी रहे, इसीलिए बिहार चुनाव आयोग की तरफ से ये नियम लागू किया गया, अच्छी पहल है। अच्छा, इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां जो है ना, अमेजोन फ्लिपकार्ट, इनको टक्कर देने के लिए अब हमारे जो केट यानी कि व्यापारियों का संगठन है ना, उसने भी एक नई पहल शुरू की है। अब देश के 100 शहरों में ई कॉमर्स योद्धा नियुक्त किए जाएंगे और ये जो योद्धा होंगे ना दोस्तों, ये भारत ई मार्केट पोर्टल को प्रमोट करेंगे। हाल ही में जो व्यापारियों ने अपना खुद का देश का स्वदेशी ई कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया था, आपको पता होगा भारत ई मार्केट करके, तो उसको देश में लोगों को बताएंगे, जागरूक करेंगे, एज अ प्रमोट करेंगे, ताकि क्या कि स्वदेशी ई कॉमर्स मार्केट डेवलप हो सके। तो ये केट की एक नई पहल है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 2 दिन बाद शुरू होगी सरल पेंशन योजना, परिवार में ये लोग उठा पाएंगे फायदा। जहाँ 2 दिन बोले तो एक ही दिन बाद यानी कि कल से ही 1 अप्रैल से हमारे देश में एक नई योजना शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है सरल पेंशन योजना। दरअसल दोस्तों इरडा जो ना बीमा विनियामक इरडा, उसने सभी जीवन बीमा कंपनियों को 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना की शुरुआत करने को कहा है। अब ये योजना क्या होगी, इसमें आपको क्या बेनिफिट यानी कि लाभ मिलेंगे, तो दरअसल सरल पेंशन योजना के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्यूटी देने का विकल्प होगा। सरल पेंशन प्लान के तहत मेच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें 100% खरीद मूल्य की वापसी का विकल्प होगा। यानी कि कोई भी आप पॉलिसी शुरू करेंगे सरल पेंशन योजना से जुड़ी, तो उसमें तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी को आप सरेंडर करा सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम एन्यूटी राशि 1000 रुपए प्रति महीने होगी और 3000 रुपए प्रति महीने भी रख सकते हैं आप, अलग अलग प्रीमियम अपने सैलरी के अकॉर्डिंग। अब लाभ इसमें आपको क्या मिलेंगे, तो इरडा के मुताबिक दोस्तों सरल पेंशन प्लान खरीद मूल्य के 100% वापसी के साथ लाइफ एन्यूटी के साथ आएगा। इसका मतलब है कि एन्यूटी का भुगतान ग्राहक को जीवन भर के लिए किया जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद जीवन साथी को भी उसकी मृत्यु तक एन्यूटी मिलती रहेगी। इसके बाद पति पत्नी की मृत्यु पर कानूनी वारिस को खरीद मूल्य यानी कि 100% राशि वापस मिल जाएगी। एज ए यू सिस्टम दोस्तों की सरल पेंशन योजना जो है ना, इसमें आप एक फिक्स टाइम तक प्रीमियम जमा कराते रहोगे हर महीने इतने इतने रुपए, फिर आपको एक पॉलिसी टाइम के अकॉर्डिंग समय बाद आपको हर महीने जो है कुछ राशि आपकी वापस तनख्वाह के रूप में या एज ए दोस्तों देखा जाए तो पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, ठीक है ना। आपके बाद आपकी पत्नी को मिलती रहेगी और पत्नी के बाद वो सब जो राशि आपने जमा कराई थी ना, वो आपके बेटे बेटी को या वारिस को, जो भी कानूनी वारिस होगा, उसको वापस रिफंड हो जाएगी। हालांकि इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होगा, क्योंकि मैच्योरिटी टाइम ही नहीं रहेगा। जब तक आप जियोगे तब तक आपको लाभ मिलेगा, आपके बाद आपकी वाइफ को लाभ मिलता रहेगा मैसेज को, और उसके बाद आपके बेटे बेटी को वापस सारा रिफंड मिल जाएगा। तो ये नई योजना हमारे देश में शुरू होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लेकर भी। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, ब्रिटेन ने भारत को G7 देशों की बैठक में शामिल होने का दिया न्योता, जून में होगी बैठक। जी हाँ, हमारे भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है दोस्तों, ब्रिटेन ने G7 देशों की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें भारत को गेस्ट के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को भी बुलाया गया है। आपको बता दूं G7 में 7 देशों का एक समूह है, जिसमें है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, लेकिन इसमें भारत को भी बुलाया गया है, तो भारत के लिए गौरव की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की औकात ठिकाने आ गई, घुटने पर आ गया पाकिस्तान, कम हुआ उत्पादन तो भारत से ये गुहार लगाई। देखिए जरा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में कपड़ा मंत्रालय ने देश के कपड़ा क्षेत्र में कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए भारत से कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने की सिफारिश की है। आपको पता होगा जब पाकिस्तान ने एक समय बदतमीजी की थी, वो पुलवामा वगैरह की घटना के दौरान, तब भारत सरकार ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। अब पाकिस्तान गुहार लगा रहा, रिक्वेस्ट कर रहा, ताजोड़ी कर रहा कि यार भारत प्लीज खोल दो, हम पर जो बैन लगा है वो मतलब अब आए ना कल ठिकाने, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, तो फिर पहले से ऐसी हरकतें ही क्यों करता पाकिस्तान, पता नहीं। देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या फैसला लेती, मैं आपको बताता रहूंगा अपडेट आगे। और फिलहाल देखिए दोस्तों, अगली खबर है क्रिप्टो करेंसी पर अपडेट देखिए। अब क्रिप्टो करेंसी से भी पेमेंट हो सकेगा, इस नेटवर्क पर जल्दी ये सर्विस शुरू होने वाली है। जी हां, जहां दोस्तों एक तरफ भारत सरकार देश में क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंध लगाने की तैयारियों में जुटी है, उसी तरफ अब देखिए दोस्तों वीजा जो ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाने वाली कंपनी है ना, इसका कहना है कि उसने पेमेंट व क्रिप्टो प्लेटफॉर्म यानी कि crypto.com के साथ एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया, और इस प्रोग्राम का मकसद ये दोस्तों कि वीजा की योजना साल के आखिर में अधिक पार्टनर्स को क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट सेटलमेंट करने का विकल्प मिल सके। यानी कि हो सकता है कि दिसंबर नवंबर 2021 जो ये ईयर एंड महीने रहेंगे उस तक आपको वीजा के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट सेटलमेंट की सुविधा मिल जाएगी। बिटकॉइन वगैरह जो होते हैं ना क्रिप्टो करेंसी का, मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आ रहा है, सरकार ने युवाओं से अपील की है पहली गाड़ी इलेक्ट्रिक ही खरीदें, इसके लिए एक अभियान भी शुरू किया गया। जी हां, स्विच दिल्ली ईवी करके जो जागरूकता अभियान चल रहा है ना, मतलब कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ये चाहते हैं कि राजधानी दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़े। इसके लिए युवाओं से भी दिल्ली सरकार ने गुहार लगाई कि आप पहली गाड़ी अपनी इलेक्ट्रिक ही
खरीदें। ये भी एक नई पहल है दिल्ली में ईवी को बढ़ाने के लिए। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ आपकी हेल्थ से जुड़ी साइंस रिसर्च से निकल कर आ रही, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो खबर देखिए कि कॉन्टैक्ट लेंस जो पहनने वाले लोग भाग है ना, वो सावधानी से ध्यान दें, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर अगर आप नहाते हैं ना तो आपकी आंखों में संक्रमण का खतरा 7 गुना ज्यादा रहता है। लालिमा और अल्सर होने का भी चांसेस बढ़ जाता है। बहुत से लोग जो मतलब चश्मे की जगह पर लेंस पहनते हैं ना, उनके लिए ये अपडेट है। हाल ही में ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने ये पाया दोस्तों कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर अगर आप नहाते हैं तो आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, और वहीं अगर आप इसका इलाज समय पर नहीं कराते तो धुंधला दिखने की समस्या भी हो सकती है। दरअसल शोधकर्ताओं का यह कहना है दोस्तों कि नहाने के दौरान अगर आप लेंस पहने रहते हैं ना तो बैक्टीरिया को आंखों में संक्रमण फैलाने में मदद मिलती है, क्योंकि नहाने से लेंस की सतह पर नमी बनी रहती है जिससे कि बैक्टीरिया अपनी संख्या और संक्रमण का दायरा आसानी से बढ़ा देते हैं। और वहीं वैज्ञानिक शोधकर्ताओं का यह भी कहना दोस्तों कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर सोना भी ठीक नहीं है, इससे भी बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा 3 गुना बढ़ सकता है। सो प्लीज आप ध्यान रखें, अगर आप भी चश्मे की जगह लेंस वगैरह लगाते हैं तो इन बातों का अपनी लाइफ में ध्यान रखें। नहाने दौरान सोने दौरान जरूर उन लेंस को खोल ले उतार लें, ओके। इसके अलावा आपकी हेल्थ से जुड़ी एक और रिसर्च ये निकल कर आ रही है कि मसूड़ों में अगर आपके संक्रमण है तो जो मसूड़ों के पीड़ित मरीज है ना, उनमें हाई बीपी का जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार भला ये मसूड़ों का बीपी से क्या लेना देना। जी हाँ, तो ये कोई यूं तुक्का मार बात नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों की रिसर्च में शोधकर्ताओं में इस बात का पता चला। एक नई स्टडी से ये पता चला दोस्तों कि मसूड़ों के संक्रमण से पीड़ित लोगों में हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, ओके। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर अपडेट है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए फ्री में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों पर बंपर वैकेंसी आई है। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों सरकारी नौकरियों को लेकर अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा विभाग ने 50,000 से भी ज्यादा पदों पर गवर्नमेंट की भर्ती निकाली है। 5वीं और 10वीं पास महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि महिलाओं के लिए फ्री में आवेदन करने का ऑप्शन है, उनको कोई एप्लीकेशन फीस वगैरह भी नहीं देनी है। और इसके लिए लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल तय की गई है, तो उससे पहले पहले जो माताएं बहनें अप्लाई करना चाहती हैं 5वीं पास 10वीं पास भी, वो भी अप्लाई कर सकती हैं, ओके। ऑफिशियल वेबसाइट है इसके लिए balvikasup.gov.in पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अच्छा अब बात करें आज के देश के मौसम समाचार को लेकर अपडेट है। देखिए आप वेदर अलर्ट आ रहा है, पूर्वोत्तर भारत में 2 अप्रैल तक तेज बारिश होने की संभावना है। IMD ने यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। जी हाँ, आगामी 1-2 दिन में एक तो दक्षिणी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4-5 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है 1 से 2 अप्रैल तक। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में लू के कारण येलो अलर्ट भी जारी किया गया। जी हाँ, लू चल सकती है, येलो अलर्ट जारी किया है इसके लिए। इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी आ रही है। तो आपको बता दूं संपूर्ण भारत का 31 मार्च 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है, और बाकी दोस्तों राजस्थान वगैरह हो गया, मध्य प्रदेश, विदर्भ, उड़ीसा, यहाँ पर लू भी चल सकती है। केरल में भी हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। तो ये रहा आज का वेदर अपडेट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए सोने के दाम और लूट के चांदी भी सस्ती हुई है। जहाँ सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो सोना 138 रूपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई, और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 44,113 रूपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 320 रूपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई, और उसके बाद अभी चांदी के रेट चल रहे हैं 63,212 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं, ओके। तो ये तो रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और वहीं अब बात करते हैं अपन देश में कोरोना वायरस से संबंधित लॉकडाउन, कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, सख्त पाबंदियों को लेकर भी कुछ अपडेट आने में आपको बताता हूँ। एक तो देखिए दोस्तों कोरोना को लेकर 1 अप्रैल से हमारे देश में 45 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं ना, उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। इसके लिए कोविन पोर्टल पर 2:00 PM-3 PM बाद आप रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। और बाकी दोस्तों कोरोना के आंकड़े रोजाना कितने बढ़ रहे हैं इसको लेकर आप देख सकते हैं, एक रेशियो भी मध्य प्रदेश गुजरात में बढ़ने का एक ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी वैक्सीन लगा पाएंगे, जो कि अभी नियम है 60 साल तक के या 60 साल से ऊपर के जो लगा पाते हैं, तो अब 45 कर दिए इसको 1 अप्रैल से ही। इसके अलावा देखिए एक अनोखा नियम है दोस्तों, मार्केट जाने के लिए भी अब आपको पैसे देने होंगे। कहने का मतलब 1 घंटे से ज्यादा अगर आप मार्केट रुकते हैं ना तो 500 रूपए का आप पर जुर्माना लगेगा। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमारे देश में ये भी नियम लागू किया गया। आखिर कहाँ पर, तो जान लीजिए, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में फिलहाल ये नियम लागू किया गया। यहाँ पर अगर आप मार्केट वगैरह, बाजार, शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो केवल 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। जी हाँ, और अगर आप 1 घंटे से ज्यादा मार्केट में बिताते हैं तो आप पर 500 रूपए का फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। और इतना ही नहीं, मार्केट में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि लोगों से दूरी बनाए रखने की नियम को भी पालन करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा बाजार जाने वाले हर व्यक्ति को 5 रूपए प्रति व्यक्ति तो चुकाने ही पड़ेंगे। इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दी जाएगी जो कि 1 घंटे के लिए वैलिड होगी। कहने का मतलब ये दोस्तों कि बाजार जाने के लिए आपको टिकट कटाकर जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र नासिक में फिलहाल प्रशासन की तरफ से ये नियम लागू किया गया, और टिकट पर आपको टाइमिंग मिल जाएगी। 1 घंटे से बाद अगर आप बाजार से लौटते हो तो आपको काउंटर पर और 500 रूपए जमा कराते हुए आना पड़ेगा, समझ गया ना। तो ये चीजें कोरोना के चलते देश में मतलब हालात क्या हो रहे हैं और क्या क्या नियम लागू करने पड़ रहे हैं।
रहे हैं आप अंदाजा लगाइए, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मास्क जरूर लगाएं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगली खबर, कोरोना के चलते मध्य प्रदेश राज्य में 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। और इसके अलावा स्कूल बंद रहने को लेकर और एक फैसला ये भी आ रहा है कि मतलब कि मध्य प्रदेश में तो 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद रहेंगे, ठीक है ना, और 9वीं से 12वीं तक की क्लासेज 1 अप्रैल से लगना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 8वीं तक के स्कूल जो है वो 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच ये फैसला लिया गया है। वही दोस्तों यूपी के अलावा देखिए आप, पंजाब में भी नाइट कर्फ्यू और जितने भी प्रतिबंध अभी कोरोना के चलते लगे हुए हैं ना, उनको 10 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दिया, जिनकी लास्ट डेट अभी आज ही 31 मार्च तक थी। तो पंजाब में नाइट कर्फ्यू और जितने भी प्रतिबंध बैन वगैरह लगे हुए हैं वो सब कुछ अब 10 अप्रैल तक लागू रहेंगे, ठीक है ना। यानी कि कोरोना की जितनी भी अभी करंट गाइडलाइंस चल रही है वो 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। और साथ ही कोरोना पर और एक खबर आ रही है, देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। दुकानों के लिए क्या टाइम टेबल रहेगा तो मैं आपको बता दूं, रात को 10 बजे से लेकर नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाएगा जो कि सुबह रहेगा 5-6 बजे तक। और इसके अलावा देखिए दोस्तों शिक्षा विभाग का भी एक बड़ा फैसला है कि अब घर घर जाकर अध्यापक लोग जो है वो कोविड-19 महामारी के संबंधित लोगों को जागरूक करेंगे। जहां पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला की हिदायतों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए लोगों को प्रेरित करने के साथ साथ कोविड-19 महामारी संबंधित जागरूक करने के लिए भी मुहिम शुरू कर दी है। यानी कि पंजाब राज्य में अब ये जो मैडम वगैरह टीचर वगैरह होते हैं ये लोगों को घर घर जाकर के जागरूक करेंगे, अवेयर करेंगे कि कोरोना कितना खतरनाक, आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, अपने बच्चे बच्चों का कैसा ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। वहीं पंजाब राज्य में 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज ये बंद रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भी एक बड़ा फैसला आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को छुट्टी मिलेगी। कहने का मतलब जो कोरोना का टीका लगवाने के लिए जा रहे हैं ना उनको छुट्टी मिल जाएगी, एक दिन की लीव दी जाएगी। चाहे प्राइवेट नौकरी में जॉब करते हो, आप प्राइवेट नौकरी करते हो यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या सरकारी एम्प्लॉय है, तो भी आपको कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगी। यूपी सरकार की ये अच्छी पहल है। और साथ ही कोरोना पर और एक खबर देखिए दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ से ठीक पहले 32 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव देखे गए और उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कुछ नियम निर्देश जारी किए हैं। देखिए मतलब कि कुंभ मेले में भी कितने लोग कोरोना संक्रमित आ रहे हैं, अगर आप भी कुंभ वगैरह जाते हैं ना तो आप सावधान रहें। वहीं दोस्तों नियम ये भी है कि अगर किसी श्रद्धालु को सर्दी बुखार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें आप। 1 अप्रैल से कुंभ मेला शुरू होगा और इस बार 27 अप्रैल तक ही रहेगा, एक महीने तक ही रहेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार ने ये निर्देश दे दिए कि बाहर के राज्यों से जितने भी लोग आ रहे हैं ना उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट का यह कहना है कि इन राज्यों से आने वाले लोगों को 72 घंटे से पहले की कोरोना रिपोर्ट लानी पड़ेगी, जिसमें शामिल है महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान से जो भी आने वाले यात्री होंगे उनको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी, तभी उनको उत्तराखंड में एंट्री मिलेगी। ओके, और कोरोना पर और एक खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 8वीं तक के स्कूल रविवार तक बंद रहेंगे। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण फैसला ये तो मैंने आपको बता दिया। खैर अच्छा देखिए खबर एक मैं आपको अपडेट बताना चाहता हूँ, चेतावनी देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक केस देखा गया और सिर्फ एमपी में नहीं, ये केस कोरोना जब शुरू हुआ ना उसके बाद से कई जगहों पर भी देखे गए। होली के दिन शराब नहीं मिली तो 3 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, 2 की मौत हो गई, 1 की हालत अभी भी गंभीर चल रही है, वो भी कभी भी जा सकते हैं, भगवान ना करें जाएं। लेकिन बात बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत से जो शराबी भाई लोग हैं ना उनको क्या कि शराब नहीं मिलती है तो कई लोगों को ये पता है कि यार सैनिटाइजर में भी तो अल्कोहल आती है, वो अल्कोहल यार आपके हाथों को साफ करने के लिए आती है, बैक्टीरिया को मारने के लिए आती है, तो उसमें कई सारे और केमिकल्स भी डले होते हैं, वो कोई प्योर दारू थोड़ी ना क्या, तो इसलिए उसका यूज कभी ना करें प्लीज, वरना ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। और सिर्फ शराबी भाई लोग ही नहीं बल्कि दोस्तों अगर आप एक पेरेंट्स माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो अभी आप घर में ध्यान रखें, छोटे बच्चे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, सैनिटाइजर को ऊपर रखें, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कई जगहों पर लोग बाग जो लापरवाही कर देते हैं, बच्चे बच्चे क्या है यार यूं ही सैनिटाइजर को हाथ में लिया खाने लग गए तो वो तो हर किसी चीज को खा लेते हैं, कभी खिलौनों को भी चबा रहे हैं, कहीं कभी कुछ उंगलियां चबा रहे हैं, तो बच्चे बच्चों को कोई भरोसा नहीं होता, वो सैनिटाइजर को भी खा सकते हैं, तो आप उनकी पहुंच से दूर रखें उनको, समझ रहे हो ना, छोटी सी लापरवाही आपको बड़ी महंगी पड़ सकती है। मेरा तो कहने का फर्ज है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, मैं कोई घर पे आके सैनिटाइजर को ऊपर थोड़ी ना रखूंगा। अच्छा बाकी दोस्तों भारत में कोरोना का आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान 53,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस देखे गए और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है 1,21,48,000 से भी ज्यादा। भारत में कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 5,49,000 से ज्यादा और वहीं भारत में कोरोना के कारण मरने वालों की कुल संख्या हो चुकी है 1,62,000 से भी ज्यादा। ओके, तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और अब अपन नजर डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, तो दोस्तों 1 अप्रैल से देश में कुछ महंगाई भी बढ़ने जा रही है। देखिए आप अपडेट किए 1 अप्रैल से कार, बाइक, बिजली, दूध समेत कई सारी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों कई चीजें महंगी हो सकती हैं, दूध वगैरह के रेटें भी बढ़ सकती है। इसके अलावा टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर वगैरह ये इलेक्ट्रिक आइटम्स खरीदना भी महंगा हो सकता है, 2-3 हजार रुपए तक इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दोस्तों आपका हवाई सफर करना महंगा हो जाएगा क्योंकि 1 अप्रैल से यात्रियों को एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के नाम पर 200 रुपए और विदेशी यात्रियों को $12 देने होंगे। दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने की संभावना है। बिजली वगैरह भी महंगी हो सकती है बिहार राज्य में, तो 1 अप्रैल से
ये काफी चीजें महंगी हो सकती है ना। इसके अलावा खबर देखिए आप, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की तबीयत आपको पता होगा पिछले 5-7 दिन से खराब है, तो दिल्ली के एम्स में उनकी बाईपास सर्जरी सफल हो चुकी है। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन, बधाई हो देश के राष्ट्रपति जी को, और जल्द वो स्वस्थ हो जाए, हम सब की तरफ से यही कामना है। और अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से डेबिट क्रेडिट कार्ड के नियम भी बदल रहे हैं, इनके पेमेंट करने के तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि RBI की कुछ नई गाइडलाइंस जारी हो रही है। और मैंने जैसा कि आपको कल ही एक अपडेट बताया था ना कि ऑटो डेबिट वगैरह का वो सिस्टम, तो ये बदल सकता है। कहने का मतलब अगर आपने कहीं पेमेंट ऑटो डेबिट पर लागू कर रखा ना, तो वो चेंजेज होंगे, आपको बैंक की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा जो भी रूल्स बदलाव होंगे जो। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में आगामी चुनाव में बस नई EVM का ही होगा इस्तेमाल, हाई कोर्ट से बोला चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में जो आगामी चुनाव होंगे ना, उनमें नई EVM का यूज किया जाएगा, इस तरह की चुनाव आयोग की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही खबर देखिए, UGC बोर्ड का एक अहम फैसला है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 मार्च 2022 तक सभी स्कीमें जारी रहेगी। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को लेकर जुटे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने फिलहाल उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़ी अपनी सभी स्कीमों को आगे भी जारी रखने का फैसला किया। चाहे दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू भी हो जाएगी ना, तो भी पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप सहित 32 ऐसी स्कीमें हैं जो 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी, तब तक इनको बढ़ा दिया, तो ये अच्छी पहल है UGC की। अच्छा, अगली खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने एक नई फिक्स डिपॉजिट यानी कि FD स्कीम शुरू की है, इसमें आपको कितना क्या बेनिफिट मिलेगा। तो ये पंजाब नेशनल बैंक की नई FD स्कीम जिसका नाम है उत्तम फिक्स डिपॉजिट करके, जिसमें 15 लाख रुपए से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम का टर्म डिपॉजिट आप करा सकते हैं। इसके लिए ब्याज दरें 1 जनवरी 2021 से लागू है। क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह आपको मिलती है, तो 5-6% तक की ब्याज दर आपको मिल जाती है अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ओके, और साथ ही खबर देखिए दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो हर शहर में कराएगी डोरमेट्री व्यवस्था, वो भी सस्ती दर पर। दरअसल दोस्तों, शहरों के अंदर UP में चंद दिनों के लिए आने वाले युवा हो या प्रवासी है या फिर पर्यटक छात्र, उन्हें मामूली किराए पर एक बेड की डोरमेट्री सुविधा मिल जाएगी। 10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बेड के साथ एक अलमारी और लॉकर की सुविधा भी दी जाएगी। तो जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में ये अवेलेबल हो जाएगी, इससे क्या कि महंगे होटल के रूम्स वगैरह लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, राजस्थान में 5 लाख तक के इलाज की सुविधा फ्री से मिलना शुरू हो जाएगी, आज से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। और 1 अप्रैल से राजस्थान राज्य में ये नई इलाज योजना शुरू होने जा रही है, यानी कि राजस्थान के जो गरीब वर्ग लोग के कैटेगरी के लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक की इलाज सुविधा मिल जाएगी। अब इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होना जरूरी होगा, जैसे कि SC ST वगैरह या जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है, जिनके पास कोई महंगी प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, उन लोगों का इलाज राजस्थान राज्य में 5 लाख तक का इलाज फ्री में होगा ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कपिल शर्मा की तरह अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की भी वापसी होगी। ये कब से आ रहा है, तो अगस्त महीने से सीजन 13 जो ऑन एयर हो सकता है, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। ओके, बाकी दोस्तों, यूपी के अंदर वाराणसी में सभी बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड मीटर लगना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द, और धीरे धीरे पूरे यूपी में ये सुविधा शुरू होगी। तो प्रीपेड मीटर का मतलब ये हो गया कि आपको पहले उस मीटर में पैसे जमा कराने होंगे, उसके बाद बिजली आप जितना खपत लोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिचार्ज करता रहेगा, जिस तरह से भी अपन मोबाइल सिम में रिचार्ज कराते हैं और उसके बाद बात करने के हिसाब से अपनी वैलिडिटी के हिसाब से चार्ज लगता रहता है। तो ऐसे प्रीपेड मीटर सुविधा अब यूपी के वाराणसी से शुरू हो रही है, धीरे धीरे पूरे यूपी और देश में शुरू होगी। ओके दोस्तों, तो इस एकड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारे देश में अभी कितने लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स फ्री है। जी हाँ, मतलब कि आप कितने लाख एक साल के कमा लो तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, हमारे देश में अभी ये नियम क्या है। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर भी पहली बार आए हैं ना दोस्तों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना। इससे होगा ये कि आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार जो है ना वो यूं चुटकियों में आप अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, इसके साथ ही ये आज का अपडेट यहीं फिनिश होता है, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना, खुद का, परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।